चलिए, पिछली क्लासेस में हमने डेबिट और क्रेडिट के लिए जो है कि अलग अलग टेस्ट सीरीज को किया और ये समझा कि कैसे व्यवहारों को हम डेबिट करें और क्रेडिट करें, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। तो एक लाइन में कहें तो पाने वाली या व्यापार में आने वाली चीज को हम डेबिट करना है और जाने वाली या देने वाले को हम क्रेडिट करें, ठीक है। अब हम उन्हीं व्यवहारों को टैली में करेंगे, लेकिन टैली में करने के पहले टैली को हम कैसे यूज करें और इन व्यवहारों के लिए हमें टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करें और व्यवहारों को जिसमें लिखते हैं जिसको हम कहते हैं लेजर, वो हम कैसे क्रिएट करें। तो देखिए, टैली को डाउनलोड करने के लिए अभी हम सीखने के पर्पज से यूज कर रहे हैं टैली का, तो इसके लिए हम एजुकेशनल वर्जन यूज करेंगे। तो इसके लिए आप ऑनलाइन चले जाइए और यहाँ पर हम गूगल पर आपको सर्च करना है टेली सॉल्यूशन, यहाँ टेली सॉल्यूशन आप टाइप करेंगे, ये डाउनलोड भी आप कर सकते हैं इसमें। तो ये टेली सॉल्यूशन डॉट कॉम टेली का ऑफिशियली वेबसाइट खुल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इस डाउनलोड को आप क्लिक करिए, यहाँ पर इसका नया जो अपडेट वर्जन है 2.1 ये आ रहा है, तो इसमें हम डाउनलोड को क्लिक करेंगे। डाउनलोड को क्लिक करने पर आपको टेली का जो सेटअप है वो डाउनलोड डॉट exe करके आपके सिस्टम में आ जाएगा और इसी को आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। अब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है तो ये भी इसको ओपन करेंगे, अब ऑलरेडी है ये, यहाँ पर यस करते हैं तो ये पहले हो सकता है रिमूव का ऑप्शन देगा या अपडेट का ऑप्शन देगा। ये देखिए अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, तो हम अपडेट को क्लिक करेंगे देन यस कर सकते हैं। ये सेम प्रोसीजर इंस्टॉल कर के लिए भी लागू होगी, यानी आप इस प्रोसीजर के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, देन स्टार्ट टेली प्राइव को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम है तो इंस्टॉल अपडेशन, नहीं तो टेली का आइकॉन आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पर ही आ जाएगा टेली प्राइम, इसको आप डबल क्लिक करिए, सेम प्रोसीजर इसी प्रकार से होगी, तो इससे टेली ओपन होने लगेगा, ठीक है। तो कुछ समय ये लेगा, यहाँ जब ओपन होता है तो आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, कंटिन्यू एजुकेशन मोड यूजिंग लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अब जो व्यापारी हैं उनको सीधी सी बात है कि यहाँ पर लाइसेंस लेना होगा, जिसमें दो प्रकार के सिल्वर और गोल्ड, यानी सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर इसका लाइसेंस आता है। तो सिंगल यूजर की प्राइस 18,500 प्लस कुछ है जीएसटी इसके अलावा, और मल्टी यूजर का 54,000 और जीएसटी इसका है, वो साइट पे दे रखा हुआ, फिर उसको क्लोज कर दिया। तो टेली सॉल्यूशन पर आपको इसका प्राइस मिल जाएगा और वहीं से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। दूसरा हुआ कि हम सीखने के पर्पज से यदि यूज कर रहे हैं तो टेली कॉर्पोरेशन हमें यह सुविधा देती है कि आप इसको फ्री सीख लीजिए, कोई पैसा नहीं है सीखने का, सीखने के बाद फिर आप इसको यूज में लाइए काम करिए, क्योंकि जब व्यक्ति को आता होगा तभी तो ना करेगा वो, तो ये कंसेप्ट भी टेली सॉल्यूशन हमें देता है। तो उसके लिए हम एजुकेशन मोड पर चले जाएंगे। दो ऑप्शन और है, वो रिएक्टिवेट लाइसेंस है, यदि पहले से लाइसेंस है उनके लिए रिन्यूअल का ऑप्शन यहाँ पर रिएक्टिवेट का है, और ऑनलाइन भी इसका ऑप्शन है, यानी टेली सॉल्यूशन सर्वर से जुड़ करके आप ऑनलाइन पहुंच भी यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप अपना डेटा आपकी कंपनी कहीं पर भी ओपन कर पाएंगे और डेटा को देख पाएंगे चला पाएंगे। तो बहुत अच्छे कंसेप्ट है इसमें यहाँ पर दिए हुए। फिलहाल अभी हम लेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। अब एजुकेशन मोड में क्या है, तो एजुकेशन मोड के अंतर्गत हमें जो नहीं मिलेगा वो है डेट का ऑप्शन। आप एक बिजनेस के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत जितने भी व्यवहार हम करते हैं उनको डेट टू डेट मिलाना होता, आज कितनी परचेज या सेल हुई वो आज चाहिए, कल का कल में चाहिए, परसों का परसों का, हर डेट का हमें एक व्यवहार चाहिए। तो यहाँ पर बिजनेस में ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक व्यवहार डेट टू डेट मिले। तो टेली सॉल्यूशन में, एजुकेशन बोर्ड में हमें सब कुछ वो सर्विस मिलती है,
हमें क्या नहीं मिलेगा, तो हमें डेट नहीं मिलेगा, और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो एजुकेशन मोड का हम यूज नहीं कर पाते, लेकिन उससे हमारे सीखने का कोई कंसेप्ट रुकेगा नहीं, हम प्रॉपरली इसको सीख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पर हमें एजुकेशन बोर्ड में 3 डेट मिलती है, 1, 2 और 31, हर माह की 1 तारीख, हर माह की 2 तारीख, और जिस माह में 31 तारीख होता है उसमें वाउचर एंट्री कर पाइए। ठीक है, तो कंपनी सॉरी टेली डाउनलोड होने के बाद अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली आ गया। हो सकता है कि आपके सिस्टम में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पहले जो सबसे मेन होता है वो होता है कंपनी क्रिएशन का। यहाँ पर ऑलरेडी ये कंपनी बनी है शुभम अकेडमी करके, इसलिए ये कंपनी यहाँ पर खुल गया है। आपके सिस्टम में जब ऊपर बना नहीं होगा तो यहाँ तक नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या आएगा, तो वो जो इंटरफेस आता है वो इंटरफेस आता है इस प्रकार का, जहां पर हमें कंपनी क्रिएट करना हो, कंपनी जो आपकी शॉप है, बिजनेस है, वही है कंपनी। कंपनी कॉल कंपोनेंट ऑल ऑब्जेक्ट्स, जो कई ऑब्जेक्ट्स मिलकर बना वो कंपनी। तो यहाँ पर हमारी जो शॉप है वही हमारी कंपनी है। तो जिस भी शॉप के आप व्यवहारों को लिखेंगे उन्हीं के नाम से कंपनी क्रिएट कर लीजिए। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, इसे हम एंटर करेंगे, और कोशिश करें कि आप टेली में जितने व्यवहार लिखे हैं वो कीबोर्ड से ही एंटर करें। कीबोर्ड से जितना वाउचर एंट्री करेंगे उतना फास्ट आपका वर्क यहाँ पर होगा। तो कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक कीबोर्ड का यूज करें, माउस का यूज कम करें। तो यहाँ पर हमें कंपनी का जो फॉर्म खुला है इसमें हमें पूरा डिटेल फिल करना है। सबसे पहले कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस 23 करके अभी हमें कंपनी बना लेते हैं। मेलिंग नेम में यदि हमारी कंपनी का नाम शॉर्ट में है और डिटेल मेंशन करने के लिए हमें कुछ देना है या है हमारा, तो वो हम दे देंगे। यदि दोनों नाम समान है तो मेलिंग नेम में वही रखेंगे। एड्रेस हम अपनी कंपनी का डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। स्टेट में आप अपना ही स्टेट सेलेक्ट करें, ये आवश्यक है, तो हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं, मध्य प्रदेश। टेलीफोन, ईमेल, ये सब कुछ डालते हुए फिनेंशियल ईयर जो आपका है वो आप सिलेक्ट करिए। तो फिनेंशियल ईयर की जब बात करें तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो जिस भी ईयर में चल रहे हो तो उस माह का फिनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल ही होगा। आगे उसका ईयर जैसे 1 अप्रैल 2022 से फिनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, तो वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना। बुक बिगनिंग, लेखा वही की डेट, फिनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल है लेकिन आपने अपने बिजनेस में लेखा वही किस दिन स्टार्ट किया, बिजनेस किस दिन स्टार्ट किया। हो सकता है कि बिजनेस आपने 1 जुलाई को स्टार्ट किया, 10 जुलाई को स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया, 1 जनवरी को स्टार्ट किया। तो जिस दिन हम बिजनेस स्टार्ट करें कहीं ना कहीं व्यवहारों को भी उस दिन लिखेंगे, या हो सकता है बिजनेस आज स्टार्ट कर दिया लेकिन व्यवहारों को हम प्रॉपर लागू नहीं कर पाए और उस दिन से हमने लेखा वही स्टार्ट नहीं किया। तो जिस दिन हम लेखा वही स्टार्ट करेंगे वो डेट यहाँ पर डालेंगे, 1 अप्रैल या जो भी 1 जुलाई 1 अगस्त एनी जो भी है। अभी फिलहाल हम 1 अप्रैल डाल करके आगे बढ़ जाएंगे। एंटर करना है और इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट के लिए एंटर करें, यस प्रेस करें, वाई प्रेस कर सकते हैं आप कीबोर्ड से, एक ही बात है। यानी आप एंटर करेंगे तो बाई डिफॉल्ट एक्सेप्ट माना जाएगा, वाई प्रेस करेंगे तो भी एक्सेप्ट माना जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ओपन होता है कि आप टेली में क्या यूज करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे और यही सब कंसेप्ट हमें टेली में मिलते हैं। तो टेली में हमें क्या क्या मिलता है उसकी यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये 100 मोर फीचर, यदि नो हो तो इसको यस कर दीजिएगा। क्या मिलेगा, मेंटेन अकाउंटिंग, वो भी बिल बाई बिल, तो बिल बाई बिल को यस करना है। इनेबल कॉस्ट, लागत का केंद्र हम इसमें सेंटर यानी कॉस्ट सेंटर इसमें बना सकते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसमें मिलेगा। इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री का कंसेप्ट यहाँ पे दिया है। मल्टीपल प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट, इनेबल बेच, अलग अलग बेच के आधार पर मैन्युफैक्चर होता है और उनका एक्सपायरी वो भी इसमें है। जॉब ऑर्डर या ऑर्डर प्रोसेसिंग जिसको हम कहते हैं, कॉस्ट ट्रैकिंग इसमें है, जॉब कॉस्टिंग इसमें है। इसके अलावा हम डिस्काउंट का इसमें कॉलम यूज करेंगे और सेपरेट बिल एंड एक्चुअल बिल ये भी हम आगे यूज करेंगे। टैक्स
टैक्सेशन में जीएसटी है, टीडीएस है, टीसीएस है, वेट है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, जीएमटी है। इसे पेरोल का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये हमारे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जिनको हम आगे हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स में आएंगे वैसे वैसे इनको समझेंगे करेंगे। फिलहाल के लिए हमें मेंटेन अकाउंटिंग, बिल वाइज बिल, ये दो ऑप्शन को यस करना है, बाकी को भले ही आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटेन इन्वेंट्री और अकाउंटिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी आगे चलने पर फिलहाल यस ही रखें। डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस को आप नो कर दीजिए, नो। देन जीएसटी को भी फिलहाल नो करेंगे, आगे समझेंगे जीएसटी को। देन कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इसका शॉर्टकट होता है ये, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो जाएगा। जब आपका टेली में कंपनी क्रिएट होकर के आएगा तो ये इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलेगा। इस इंटरफेस में यही पृष्ठ खुलता है, एक बुक की तरह यही पेज खुलेगा, यानी इसमें ही सब कुछ है। ये वाला इंफॉर्मेशन एरिया है जहाँ पर करंट पीरियड आ रहा है। अब इसमें करंट पीरियड क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर हमने 1 अप्रैल कंपनी का किया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है, यानी जो आने वाला है, वो यहाँ जो डेट हमने दिया था। कंपनी नेम इसमें है, कोई वाउच एंट्री नहीं है, तो नो वाउच एंट्री बता रहा है, ठीक है। और ये शॉर्टकट मेथड है, यहाँ पर जो जो भी शॉर्टकट्स होंगे आगे हम जिनका यूज करेंगे वो सब आएगा। अभी आपको स्क्रीन में शायद दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। ये वाला भाग, ये शॉर्टकट मेथड वाला है। तो यहाँ हमें गेटवे ऑफ टेली दिखाई दे रहा है, और गेटवे ऑफ टेली पर जो आपको बोल्ड दिखाई दे रहे हैं ये सब इसके शॉर्टकट है, जैसे सी, अल्ट्रा का ए, चार्ट ऑफ अकाउंट का एच, तो ये शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट है यानी जैसे वाउच एंट्री प्रेस करना, तो उसका शॉर्टकट है वी। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से वी प्रेस करना है। जब आप वी करेंगे तो ये वाउच एंट्री का इंटरफेस खुल जाएगा इस प्रकार से। ये यहाँ पर एक वाउच एंट्री का इंटरफेस खुल रहा है, ठीक है। तो इस वाउच एंट्री इंटरफेस में वाउच एंट्री करना है फिलहाल के लिए। अब यदि अंदर चले गए, वी प्रेस कर दिया और बाहर वापस गेटवे टेली पर आना है, तो ये एस्केप बटन होता है, इसको आप प्रेस करिए, इससे आप बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली पर। तो कभी भी कोई भी इंटरफेस कहीं पर भी यूज करना है तो हम गेटवे ऑफ टेली पर रह करके उसके बाद हम आगे का इंटरफेस यहाँ पर यूज कर पाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट का, तो क्रिएट यानी बनाना। तो टेली के अंतर्गत हमें कई चीज बनानी पड़ेगी। अभी हमें टेली एक ऐसा इंटरफेस मिला है जो हमारे व्यापार के लिए यूज करने के लिए है, लेकिन व्यापार किस प्रकार का है, हमारे उसमें व्यवहार किस प्रकार के हो, हमारा आइटम किस प्रकार का, तो वो सब क्रिएट करना है हर एक चीज, उसी को हमें मेन उद्देश्य है उसका सीखना। तो क्रिएट में हमें बनाने संबंधित सारे ऑप्शंस मिलेंगे। क्या क्या बनाने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ग्रुप, ग्रुप तो हमें ऑलरेडी बने हुए, लेकिन कुछ ग्रुप बनाने की भी सर्विस टेली देता है। कौन से ग्रुप कितने बने हुए ये देखना है, तो एस्केप करके बाहर आएंगे, अल्टर में जाएंगे, और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन ग्रुप है, तो ये हमारे ने ग्रुप हैं और ये नोट्स में दे भी रखे हैं। और यदि इंटरनेट पर भी आप जाएंगे तो टेली ग्रुप एंड लेजर, लेजर ग्रुप आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हर व्यवहार का एक बेस है, जैसे हमने पूंजी लगाई तो कैपिटल अंडर ग्रुप कैपिटल आएगा, क्योंकि एक हमारी लाइबिलिटीज है और हमारी एक हमारी असेट है। कोई हमने फिक्स असेट खरीदा तो फिक्स असेट में है क्या, बोलो तो फर्नीचर, तो फर्नीचर एक ग्रुप है, उसका अंडर ग्रुप क्या आएगा, फिक्स असेट। बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट तीन है हमारे, एसबीआई है, बीओबी और पीएनबी है, लेकिन तीनों ही बैंक अकाउंट, तो अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट एक, यानी एक कीवर्ड उसके लिए आइडेंटिफाई कर रहा है, वो उसका ग्रुप। तो ग्रुप हमें कंपनी टेली क्रिएट करके देती है, इतने सारे ग्रुप में ही हमें व्यवहारों को करना है। लेकिन कोई ग्रुप बाई डिफॉल्ट आप चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, तो ग्रुप क्रिएट की भी आवश्यक ऑप्शन है, सर्विस है, बाकी ग्रुप हमें बने हुए हैं। अब इस ग्रुप में कौन से सर्विस कहाँ है, तो उनका एक अपना एक इफेक्ट है, तो उसको हम बोलते हैं लेजर एंड ग्रुप। तो वो लेजर और ग्रुप आना चाहिए, वो नोट्स में भी दे रखे हैं और आगे हम यहाँ पर भी दर्शाएंगे कि किसका क्या ग्रुप होगा। तो वो ग्रुप हमें क्रिएट करने होते हैं। तो ग्रुप तो मिलते हैं, लेकिन सबसे मेन जो है वो है यहाँ पर लेजर। तो क्रिएट में, लेजर में जब आप जाएंगे, अल्टर में जैसे हम लेजर में जाते हैं, तो लेजर में हमें सिर्फ केस का मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो वैसे ही दिखा देता टेली, मेन एक देखा जाए तो केस का मिलेगा। तो हमें ये क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, क्रिएट में जाना है। क्या क्रिएट करने के लिए, लेजर, लेजर यानी जिन व्यवहारों को हम लिखते हैं लेखा बही के अंतर्गत,
उनको हम कहेंगे लेजर। अब वो लेजर किस प्रकार के हैं, जैसे हमने 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया तो पूंजी या कैपिटल का एक लेजर है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए एक तरीका तो यही, एक तो वाओ जेंटी के समय होता है, एक तरीका यहाँ पर दे रखा है। तो क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पर लेजर का ऑप्शन है, इस लेजर में जाएंगे और यहाँ लेजर विंडो आएगी। इस लेजर विंडो के अंतर्गत हमें उस लेजर का नाम देना, जिसे हमने कहा कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल का लेजर देना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो लेजर का नाम है, लेजर नेम क्रिएशन आ रहा है, इसमें लेजर का नाम है कैपिटल। अब इसका ग्रुप क्या है, तो ग्रुप की लिस्ट होगी, ये वही ग्रुप विंडो है जो ग्रुप है की लिस्ट है जो अभी हमने देखी थी। तो हर लेजर का अपना एक ग्रुप है, वो आपको थोड़ा सा समझना होगा, धीरे धीरे वो सारी चीजें आएगी, किस लेजर का कौन सा ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कैपिटल का अंडर ग्रुप होता है मतलब कैपिटल अकाउंट, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे, उसके बारे में डिटेल भरते हुए और इसको एंटर से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार आप लेजर बना सकते हैं। अब जो लेजर बन गया है, बाय द वे गलत बन गया, जैसे कोई सन्ड्री क्रिएटर का लेजर बनाया आपने, उदाहरण के तौर पर हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट लेजर में गए और यहां पर एक लेजर बनाया गायत्री कंप्यूटर, अभी गायत्री एक, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, साथ ही साथ इसको हमने क्या कर दिया, सन्ड्री क्रिएटर था डेटर्स कर दिया, कंट्रोल एक्सेप्ट कर दिया। अब यदि ये गलत है तो जो व्यवहार करेंगे, वाउच एंट्री हम करेंगे, जैसे हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं, तो पार्टी नेम यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो अब ये तो पार्टी आ गया है क्योंकि हम सभी डेटर्स से भी खरीद सकते हैं कई बार, इसलिए वाउचर में आ गया। लेकिन यदि यही कॉन्ट्रा एंट्री में जा रहा हो तो ये नहीं आएगा, देखिए छिप गया है। अब कॉन्ट्रा एंट्री के लिए बैंक का बनना था, तो बैंक के लेजर को हमने अंडर ग्रुप बना दिया सन्ड्री क्रेडिट, उदाहरण के तौर पर अभी हम समझ लेते हैं, जैसे केस हमारा 2 लाख या 20 हजार जो भी डालना है, अभी तो ये नेगेटिव जाएगा फिलहाल, 20 हजार रुपये बैंक में जमा किए। अब यहाँ पर अल्ट सी, एक शॉर्टकट क्या होता है, यहीं पर क्रिएट कर लें, अल्ट सी से हमने लेजर बनाया SBI बैंक अकाउंट। अब बैंक है तो यहाँ सिलेक्ट क्या करना था, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना था, लेकिन हमने इसको सन्डी डेटर से ही सिलेक्ट करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया, अब ये आएगा नहीं। अब यदि दोबारा आप बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट SBI बैंक अकाउंट, तो हमने डाला SBI बैंक अकाउंट, एंटर करेंगे तो ये बताएगा नेम ऑलरेडी एग्जिट, अब बना हुआ है लेकिन आ नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इसका अंडर ग्रुप गलत है। तो इसके अंडर ग्रुप को सुधारने के लिए हमें जाना होगा अल्टर के अंतर्गत, लेजर के अंतर्गत, यहाँ मिलेगा बना हुआ लेजर मिलेगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे अंडर ग्रुप गलत है, अंडर ग्रुप गलत होने के कारण रिलेटेड एंट्री में, रिलेटेड व्यवहार में ये शो नहीं होगा। तो अंडर ग्रुप हमें कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, बैंक है तो बैंक का अकाउंट, देन कंट्रोल ए से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार लेजर क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है। तो ये तो हुआ एक जो डिस्प्ले पे दे रखा है, दूसरा हम शॉर्टकट यूज करेंगे, जब व्यवहार हमारे हो रहे हैं तो हम उन्हीं व्यवहारों के लेजर बनाए जिसकी आवश्यकता हमें लग रही है, तो आगे जब हम वाउच एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो उन व्यवहारों को के लेजर हम बना लेंगे और उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसके पहले आप कंपनी क्रिएट करके रखिए, साथ ही साथ टेली को कैसे डाउनलोड करते हैं वो, साथ ही कंपनी में कोई गलत हो गया तो कैसे संशोधित करें, तो संशोधित करने के लिए भी यहाँ पर वही की है, F3 आप प्रेस करिए, यहाँ क्रिएट के बाद अल्टर ऑप्शन मिलेगा, अल्टर में जाइए और कंपनी को सिलेक्ट करिए, ये कंपनी खुल जाएगी। इसमें कोई गलत है या ये कंपनी आपके काम की नहीं है तो आप इसको डिलीट करना चाहते हो, अल्ट डी प्रेस कर सकते हैं, ये कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी, यस करते ही कंपनी चली जाएगी। तो कंपनी को अल्टर करना, क्रिएट करना, अल्टर करना, डिलीट करना, ग्रुप लेजर को क्रिएट करना, अल्टर करना, डिलीट का भी वही मेथड है, यदि आप किसी लेजर को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे इसमें हमें लेजर को डिलीट करना है तो हम अल्टर में जाएंगे और लेजर में जाएंगे और उस रिलेटेड लेजर को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे अभी क्रिएट करके डिलीट करना देख लेते हैं, क्योंकि इसमें लगभग वाउचर एंट्री है, जब कोई वाउचर व्यवहार है तो वो लेजर डिलीट नहीं होगा, जैसे हमने डाला श्री कैपिटल अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट या कोई भी लेजर अंडर ग्रुप सिलेक्ट करते, तो बैंक अकाउंट उदाहरण के तौर पर ये हो गया। अब इसको डिलीट करना, तो लेजर में अल्टर में ही, अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पर वो लेजर आपको दिखेगा, श्री कैपिटल दिखा जाए, इसको आप सिलेक्ट करिए, ये अल्टर का ऑप्शन आया, डिलीट का ऑप्शन नहीं, अल्टर में ही अल्ट डी प्रेस करना है और यस कर देना,
बस ये डिलीट तब नहीं होगा जब उसमें कोई व्यवहार है, कोई वाउचर एंट्री है, तो उसको कहाँ ले जाएगा डिलीट, इसलिए वो डिलीट का ऑप्शन वहां पर डिसेबल रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे हम कंप्यूटर हाउस को डिलीट करना चाहे, खुल गया, संशोधित कर सकते हैं, अल्ट डी से डिलीट नहीं कर सकते, ये अल्ट डी हम प्रेस कर रहे हैं, कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं हो रहा है इसके ऊपर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको टेली में कंपनी क्रिएट करके रखना है, और कोशिश करें संशोधन करने की, डिलीट करने की भी देखें उसको, साथ ही साथ कुछ लेजर को भी आप क्रिएट करके देखें। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ व्यवहारों को इसमें रिकॉर्ड करना देखें।